Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Medico's Point. I hope you all are doing good. So talking about time is currently 4:42 and yesterday I'm taking a challenge to study 6 hours. I know it's difficult but I'll try my best because agar abhi se bhi main start karta hu like 5 baje se so it will take me around 12 to baj hi jayenge 12:01 kyunki beech mein dinner wagera bhi hoga. So let's see how it goes, but I know it's gonna be difficult, but I'll try my best to do it and complete it. And yeah, let's start because maine aisa challenge kabhi pehle liya nahi hai, but I'm really excited about that. So yeah, let's go. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टडी सेशन एंड आई थिंक ये 1.5 घंटे का होने वाला है बिकॉज मैंने वो वाला वीडियो ऑन कर लिया जो स्टडी विद मी होता है ना, जिसमें 25 मिनट्स की पढ़ाई एंड 5 मिनट्स का ब्रेक वगैरह होता है. सो आई हैव स्विच्ड ऑन टू दैट वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. सो आर फर्स्ट सेशन इज़ ओवर. लाइक 1 घंटे का सेशन मैंने किया विदाउट एनी ब्रेक एंड आफ्टर दैट अभी मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ जो उस वीडियो के अकॉर्डिंग, एंड तब तक मैं अपनी कैंडल ऑन कर लेता हूँ. सो येस, आई मीट यू गाइज आफ्टर दिस. सो फाइनली वी आर डन विद फर्स्ट स्टडी सेशन. जैसा कि मैंने बोला था कि हम 1.5 घंटे का सेशन करेंगे एंड इट्स फाइनली डन. सो टाइम अभी मेरा स्टडिंग टाइम हो चुका है 1 hour 26 minutes बिकॉज अभी 4 मिनट की बीच में वो ब्रेक भी होगी. सो नाउ लेट्स गो आउट एंड अभी डिनर के बाद आप लोगों को मिलूँगा. सो अभी मेरे में थोड़ी सी एनर्जी बाकी थी तो आई थॉट व्हाई नॉट टू रीड माई NCERT बिकॉज इट विल जस्ट टेक मी 15 to 20 minutes बिकॉज द चैप्टर इज़ सो स्मॉल. The chapter is cell cycle and cell division. So I have watched the lecture and now I'll be completing it from NCERT because the NCERT reading was left. So yeah, let's start with NCERT and I'll meet you guys after this. So now it's time to solve questions because chapter complete ho gaya hai, toh questions bhi solve karne zaruri hain. यही सबसे बड़ी ट्रिक होती है एक चैप्टर को अच्छी तरह से एंड करने की. सो एनीवेज, लाइक आप लोग पूछते हो किसी ऐप के बारे में तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ नीट प्रेप एसेंशियल. लाइक मैंने थोड़े दिनों से इसको लाइक यूज़ करना स्टार्ट किया एंड आई एम जस्ट लविंग इट. तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या है.
सो साथ में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो जैसे कि अभी मैंने चैप्टर पढ़ा, दैट वाज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो इसमें जाएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें दोनों एनसीईआरटीज गिवन है, लाइक अगर आप ओल्ड वाली को प्रेफर करते हो तो ओल्ड वाली, न्यू को करते हो तो न्यू। तो अभी मैं तो ओल्ड ही कर रहा हूँ, तो मैं ओल्ड वाली पे जाऊँगा। प्रैक्टिस पे जाएंगे इसके, आप इस पे आपको सारे पी वाई क्यूज़ वगैरह मिलेंगे। एंड ये देखो पेजेस वाइज, लाइक दिस इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है कि इसमें हर पेज से कौन सा क्वेश्चन नीट में आता है वो दिया हुआ है। लाइक लिटरली मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो सोचा आपको बता देता हूँ। तो जैसे अभी सपोज़ मैंने किसी चैप्टर के दो पेजेस रीड किए, मुझे उन्हीं दोनों से क्वेश्चन करने हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ बिकॉज़ मेरे पास गिवन है। तो यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। एंड एक और चीज़ जो कि हम आंसर टिक करते हैं तो हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने, कितने परसेंट बच्चों ने वो आंसर, वो वाला टिक किया, दूसरा वाला टिक किया। एंड थर्ड थिंग कि आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाती हैं, लाइक कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, या फिर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं ऑडियो सुन रहा था एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन कौन सी है, एंड ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक सारे पी वाई क्यूज़। आप ऊपर ये भी देख सकते हो कौन से ईयर में आ सकता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपके दो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं तो आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। तो हाँ, आई थिंक ये अच्छी ऐप है, इफ़ यू वॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो फाइनली आई एम डन विद माई डिनर एंड इट्स टाइम टू कम्प्लीट आवर 6 आवर स्टडी चैलेंज। एंड लेट्स सी इफ आई कुड कम्प्लीट इट, बिकॉज अभी टाइम तो हो चुका है बहुत, बट आई थिंक इट विल टेक मी अराउंड 12:30 टू कम्प्लीट दिस चैलेंज। एंड येस, आई एम स्टार्टिंग एंड टुडे आई एम नॉट स्विचिंग ऑन माई रूम, लाइक लाइट्स ऑफ माई रूम। आई एल बी स्टडिंग इन द स्टडी टेबल लैम्प आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वॉज जस्ट लविंग इट। सो या, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड स्टडी सेशन ऑफ द डे। इसमें क्या है, ये बड़ी डिफरेंट सी ऐप है। लाइक जैसे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने पेज नंबर, लाइक सपोज़ आपने पेज नंबर 1 to 5 पढ़ा एंड आप उसके बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो। एंड साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये कैसी ऐप है। सो सपोज़ जैसे कि मैंने बताया कि आपने वो चैप्टर रीड करा। सो फाइनली वी आर डन विद आर फर्स्ट लाइक हाफ, लाइक 3 आवर स्टडी इज़ डन। एंड जो मेरी पहली वीडियो थी इट वॉज ऑफ 3 आवर्स एंड वो कम्प्लीट हो चुकी है। एंड येस, टाइम मैं दिखा देता हूँ, टाइम अभी हो चुका है 9:33। सो अच्छा है, अच्छे टाइम पे हमने कम्प्लीट कर लिया, बिकॉज मैं 8 बजे डिनर करके आ गया था ऊपर। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो अभी मेरे पास 3 घंटे और पड़े हैं जिसमें मुझे लग जाएंगे 12:30 से 1:15। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अभी मैं छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ एंड ब्रेक के बाद आप लोगों को मिलूँगा।
इट्स टाइम टू डू द लास्ट सेशन ऑफ द डे विच इज़ गोना बी ऑफ ऑलमोस्ट 3 hours बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई 6 hours स्ट्रेट 3 hour सेशन नाउ एंड नो ब्रेक्स सो आई हैव स्विच्ड ऑन द वीडियो सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एंड लेट्स एंड दिस अप So finally we are done with the challenge and I think I was pretty good at that and mera acche se ho gaya. Time ho chuka hai 12:25. Yes I know thoda sa time rehta hai. Abhi mera like pure 6 hours nahi hua hai but it is around 5 hours and 40-45 minutes. But it's all right because जो last के घंटे थे 2-3 घंटे उसमें मैंने बिल्कुल break नहीं लिया सिर्फ बीच में 10 मिनट का break लिया था and like अभी मैं end करना चाहता हूँ session को तो now it's time to freshen up वगैरह मुँह वगैरह धो के मैं अपने room में जाता हूँ because अभी मुझे सोना है like सोना भी नहीं है मुझे अभी editing करनी है तो अभी मुझे आधा एक घंटा और लगेगा like मुझे सोने में 1:30 या 1:45 हो जाएंगे So, yes. So, मैं बेड पे आ चुका हूँ एंड अभी बैठ जाते हैं बिकॉज़ बाहर लाइक बारिश हो रही है तो अभी थंडरस्टॉर्म्स वगैरह भी बहुत हो रहे हैं बाहर तो मुझे वॉइस ओवर करने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट जितना भी होगा मैं कर लूँगा अगर थोड़ा वॉइस ओवर वगैरह रह जाएगा तो वो मैं कल कर लूँगा एंड यस आप लोग बहुत लोग पूछते हो कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर से करता हूँ एडिटिंग सो इट्स VN का नाम आपने सुना होगा एंड आई वॉन्टेड टू आस्क कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सो इफ़ यू वॉन्ट आपका कोई सजेशन है कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स आई रीड दैट एंड वैसे मैंने सोचा है कुछ बट आई टेल यू लेटर सो यस अभी एडिटिंग करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ एंड यस अभी मेरी एडिटिंग भी हो चुकी है सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग आई होप यू गाइज एंजॉयड इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन बाय बाय